बच गई थी डांस की वीडियो की, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको डांस हम दोनों का कैसा लगा, बताना ज़रूर। तो जी हमने खूब डांस किया था। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो जी मेरी शुरुआत होती है किचन से ही, और वो तो भाई हर किसी की किचन से ही शुरुआत होती है, क्योंकि हमारा वैसे ज़्यादा टाइम तो किचन में ही खाना बनाना बर्तन साफ करना में लग जाता है। तो जी मैं बनाऊंगी आज छोले और भटूरे, तो बहुत अच्छी निकली हुई है। वैसे आज ठंड है लेकिन धूप निकल रही है। तो कल गए थे हम बाहर, तो बच्चे 3-4 दिन से बोल रहे थे कि मम्मी छोले भटूरे बनाओ, तो मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई थी परसों, तो उसमें मैंने छोले थोड़े एक्स्ट्रा भी गो दिए थे। तो आज भी मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी और भटूरे बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी। तो ये लेके आए थे हम सामान, कस्तूरी मेथी है, ये ख़त्म हो गई अभी है लेकिन पूरी तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं पहले ही आई। ये लेकर आई थी जीरा, और ये लेकर आई थी मैदा, तो इसमें जाएगा मैदा, और इनो भी रखा हुआ मेरे पास, ये इनो का पैकेट है, और सूजी भी रखी हुई थी, ये चीनी लेके आए 5 kg, और ये सूजी है, तो हम इसको भिगो के रख देंगे 2 घंटे पहले। और ये है इसमें दही, दही दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल अच्छी से जम गई है, मैंने फ्रिज में कल रख दी थी क्योंकि कल यूज हुई नहीं थी, तो ये मैं दिखाऊंगी आपको अभी। तो ये मैदा है 1/2 kg शक्ति भोग मैदा है, मैं ये यूज करती हूँ, और ये बहुत अच्छी है, ये कच्ची है मेरी किचन की, ये मैं किचन में यूज करती हूँ ज़्यादातर। भटूरे बनाने के लिए मैं आटा, जैसे अब तो सर्दी होगी गर्मी में, चलो ये 1 घंटे पहले भी लगा देती हूँ तो सही है, लेकिन सर्दी है तो अब मैं 2 पैर में बनाऊँगी। अभी टाइम हो गया है 10, तो मैं आटा लगा के रख देती हूँ, सब्जी मैंने बना ली है। फिर ये कटोरी है, इसमें मैं डालूंगी सूजी, जैसे 1/2 kg अगर मैदा है तो पाँव से थोड़ी सी कम हम सूजी लेंगे। वैसे मैंने अभी भटूरे बनाने मतलब काफी दिन हो गए हैं, अभी मैंने बनाए नहीं है, लेकिन 3-4 दिन हो गए, बच्चे बोल रहे थे 3-4 दिन हो गए थे कि मम्मी आप कब बनाओगे, तो मैं कहा भाई बनाएंगे, तो मैं कल बाहर गई थी बता रही थी, तो मैं ले आई थी मैदा सूजी घर पे थी। तो ये पाव की कटोरी है, और इसको हम थोड़ा सा कम रखेंगे, ये डाल लेंगे हम इसमें सूजी, सूजी डालने के बाद डालेंगे हम इसमें नमक, नमक तो मैं भाई अपने आप आईडी से डाल लेना, मैं डालती हूँ जैसे हम रोटी बनाते टाइम डालते हैं इतना, और भाई इसी कटोरी में मैं डालूंगी भाई, जितने मैंने वो लिया था ना सूजी लिया था उतना मैंने ले लिया दही, अभी डालेंगे हम इसमें दही, बर्तन हो रखे हैं साफ करूंगे, और भाई थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसको आटा लगा लेंगे। इसको
भाई अभी ठंडी क्योंकि फ्रिज में रखी थी ना, वैसे मैंने फ्रिज कर तो रखा था बंद, लेकिन फिर भी सर्दी होने लगी है तो ठंडी ही है। तो मैं इसको आटा लगा लूँगी अच्छे से, आटा लगाने के बाद दिखाऊंगी आपको। अगर अड़का सा गुनगुना अगर पानी गर्म करो तो कर लो, अगर नहीं करते तो मत करो। मैंने सुबह पानी गर्म मेरे लिया, वैसे अब तो ये थोड़ा सा ठंडा ही होगा, ज़्यादा तो गर्म नहीं है, लेकिन मैंने एक डोली में पानी गर्म करके रख दिया था कि बच्चे उठेंगे तो पियेंगे, तो अब मैं उसी से आटा लगा रही हूँ। किस किस को है छोले भटूरे पसंद बताना। मैं इसलिए उस दिन है ना थोड़े से ज्यादा भिगो दिए थे छोले, थोड़े बच्चे देते थे, मैं सोची साथ में भिगो दूँ, बचेंगे तो फिर एक दिन और सब्जी बना के और भटूरे बना देंगे। इसीलिए बच्चे बोल रहे थे मम्मी आप बना दो, तो इसको पूरा ऐसे धीरे धीरे करके जैसे नॉर्मल आप आटा लगाते हैं ना रोटी का, वैसे आटा लगा देंगे, नहीं ज़्यादा टाइट लगाएंगे, नहीं ज़्यादा लूंगी लगाएंगे। आटा लगाने के बाद इसको लगा के थोड़ा सा ऑयल या घी का, और फिर हम इसको छालने में लपेट के 3-4 घंटे के लिए रख देंगे। और इनो का भाई अगर आप बना रहे हो तो इससे अच्छे फूले फूले और अच्छे अच्छे भटूरे बड़े बड़े बन जाते हैं, और अगर भाई गर्मी है तो इसको वैसे ही अच्छा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी जैसे नहीं तो मुझे पक्का ही डालना, अगर है तो डाल लेती, अगर नहीं है तो नहीं डालती। वैसे धूप निकली हुई है लेकिन हाँ है ठंड अभी भाई। दिसंबर आज तारीख होली 13, तो आधा दिसंबर आ गया, अभी ठंड तो बढ़ेगी ये आटा लगाने के बाद। मैं बनाऊंगी थोड़ी सी चाय गरम करके, और चाय को पियेंगे। तो लगा दिया मैंने आटा, ये देखो ये मैंने आटा लगा दिया, अब इसको छाली में लपेट के टिफिन में डाल के रख देंगे, दोपहर में तब बनाएंगे हम भटूरे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। सब्जी मैंने बना दी है, ये आटा लगा दिया, रोटी बना ली, अब रोटी खाऊंगी, बर्तन साफ करूंगी, क्योंकि शाम को भी मेरा तबीयत बहुत डाउन थी, सिर में दर्द था, तो मैंने शाम में रोटी नहीं खाई, तो अभी मैंने भूख लग रही है, तो मैं पहले एक रोटी खाऊंगी, थोड़ी सी चाय पीऊँगी क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। मिलती हूँ फिर आपको बाद में। तो ये देखो भटूरे मेरी कढ़ाई, वैसे छोटी मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, लेकिन बहुत ही अच्छे बने थे और बच्चे खा रहे खुश होके, और ये यहाँ पे टीवी चल रहा था तो इसीलिए मैंने आवाज़ इनकी नहीं सुनाई। ये बोल रहा है कि बहुत अच्छे बने मम्मी, तो मैं इनसे पूछ रहा थी कि बेटा कितना खाया, एक खाया या दो खाया, क्योंकि बच्चों की तो इतना ही खाते हैं, लेकिन पूड़ी और ये सब चीज़ तो फिर भी खा लेते हैं। ये रायता पी रहा पालक का, और इसको तो ये याद नहीं कि मैंने एक खाए दो खाए, सोच रहे हैं तो बोल रहा है कि मैंने दो खाए, और ये बोल रहा है कि मैंने मम्मी तीसरा मैं खा रहा हूँ, इन्हें अच्छा लगा। और ये देखो जी मेरा धनिया और पालक थोड़ा सा उग गया, ये है घिया की बेल, और
अभी पानी इसमें मैं डेली तो नहीं देती, एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ, कि बोलते हैं कि ज़्यादा भी पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि सील है देखो, तो ये हरियाली अभी दिखने लग गई है हरा हरा सा, और ये नीचे भी हमने बना दिया है देखो कितना सुंदर कर दिया है। अभी बीज लेके आएंगे तो अभी इसमें लगाया नहीं है, लगाएंगे। और ये डोगी बैठा हुआ है, ये मैं जैसे वीडियो बना रही थी तो ऊपर की साइड देख रहा था, और ये पेड़ तो मुझे उस दिन के बाद सांप दिखने के बाद ऐसा लगता जैसे इसके नीचे ही सांप बैठा हुआ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और देखो मौसम भी बिल्कुल साफ सु है, वैसे ठंड है बढ़ गई है लेकिन मौसम साफ है, धूप निकली जाएगी तो फिर भी इतना वो नहीं लगता, अगर धूप नहीं निकलेगी तो फिर ज़्यादा ठंड लगती है। और बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम है, और ये देखो ये भी अब तो ठीक हो गई है, इसमें पिंक कलर के फूल आएंगे, वाइट कलर के फूल आएंगे, तो ये मैंने नीचे रख दिया। और ये यहाँ पे दक्ष पढ़ाई कर रहा है, तो मैं इसे बोल रही थी कि दक्ष स्वेटर डाल ले, लेकिन दक्ष ने स्वेटर मम्मी ने मुझे नहीं डाला, पता नहीं चल लड़के ने इतनी क्यों गर्मी लगती है, ये स्वेटर डाल के बिल्कुल खुश नहीं है। ये मेरा मनी प्लांट तुलसी माता, और यहाँ पे मैं और दक्ष जैसे कि वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना।